हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट ऑन 22 में। मैं तनय श्रीवास्तव हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपने पिछली दो वीडियोस में मैंने कवर किया था, जिन लोगों के बारे में कवर किया था वो इंडिया से बिलोंग करते थे, महेंद्र सिंह धोनी एंड सर सुनील गावस्कर। आज मैं फिर से आपके सामने एक और महान शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ। वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है शॉन पॉलक। और बहुत ही मज़े की बात है कि अपनी फैमिली की तरफ से वो क्रिकेट रिप्रेजेंट करने वाले पहले शख्स नहीं थे। उनसे पहले उनके पिता पीटर पॉलक, उनके जो अंकल थे द ग्रेट ग्रैम पॉलक, जिनको साउथ अफ्रीका में वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन माना जाता है, वो भी साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर चुके थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर शॉन पॉलक। यू विल बी रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट बॉलर दैट क्रिकेट हैड एवर सीन। सो फ्रेंड्स, शॉन पोलक का जन्म 16 जुलाई 1973 को पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में हुआ था। अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में उन्होंने जिस डोमेस्टिक टीम की तरफ से खेलना स्टार्ट किया था, उस टीम का नाम था क्वाजुलु नटाल। अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले वो अपना काउंटी डेब्यू कर चुके थे 95 में वॉरविक शायर, एक इंग्लिश काउंटी टीम के तरफ से उन्हें खेलने का मौका मिला था। लिसेस्टर शायर टीम के अगेंस्ट खेलते हुए उनका जो डेब्यू था वो बहुत ही शानदार, बहुत उम्दा था। उन्होंने लिसेस्टर शायर के खिलाफ हैट्रिक ली थी, इवन 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए थे, और अपने 10 ओवर के स्पेल में उन्होंने 21 रन देके 6 विकेट लिए थे। सो अपना पहला टेस्ट मैच उन्हें खेलने का मौका मिला 1995 में। 16 नवंबर को उन्होंने अपना डेब्यू किया इंटरनेशनल क्रिकेट में अगेंस्ट इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में ही सेंचुरियन के ग्राउंड पर। और उसी सीरीज में पांचवें टेस्ट में, केप टाउन के पांचवें टेस्ट में उन्होंने अपनी लाइफ का फर्स्ट 5 विकेट हॉल लिया, मतलब पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया। साउथ अफ्रीका वो मैच 10 विकेट से जीतने में कामयाब रहा। लेकिन अपनी पहली टेस्ट सीरीज के बाद उन्हें बैक इंजरी हो गई और तकरीबन 1 साल तक वो क्रिकेट से दूर रहे थे, बट शानदार वापसी करते हुए वो साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही तगड़ी बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा बने, जिसमें एलन डोनाल्ड, लांस क्लूजनर जैसे गेंदबाज थे और फैनी डिविलियर्स थे। और उसके बाद डेल स्टेन, मखाया एंटनी, आंद्रे नील जैसे गेंदबाजों के साथ उन्होंने अपनी बॉलिंग पेस अटैक को लीड किया। 98 में जनवरी में उन्होंने अपनी करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस किया, 87/7 विकेट लिए उन्होंने। एडिलेड ओवल पर वो टेस्ट मैच खेला गया था, लेकिन वो टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 98 में उन्होंने इतनी शानदार वापसी की थी कि 1998 उनके टेस्ट करियर का सबसे शानदार साल साबित हुआ, क्योंकि 98 में उन्होंने 14 टेस्ट मैच खेले और 69 विकेट लिए। 98 में ही उन्हें फिर से इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो उस साल की चैंपियन ट्रॉफी जो बांग्लादेश में खेली गई थी वो उन्होंने मिस किया। अगले साल 1999 का वर्ल्ड कप हुआ, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। वहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल तक पहुँची थी और सेमीफाइनल में उन्होंने फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए 36 रन देकर 5 विकेट लिए थे। वो मैच टाई रहा था और टाई मैच की वजह से साउथ अफ्रीका फाइनल में नहीं इंटर कर पाई थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंटर किया फाइनल में। तो 99 में उनकी शानदार बॉलिंग की वजह से उन्होंने अपनी टेस्ट करियर में सबसे हाईएस्ट रेटिंग हासिल की, 909 रेटिंग अंक तक हो गए। 2000 में जब साउथ अफ्रीका ने भारत का दौरा किया तो टेस्ट सीरीज वो 2-0 से जीतने में कामयाब हुए और वनडे सीरीज वो 3-2 से हार गए। बट उसके बाद एक ऐसा किस्सा हुआ, एक ऐसा विवाद हुआ जिसने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को हिला के रख दिया, जो था मैच फिक्सिंग विवाद, जिसमें हैंसी क्रोनिये, निक्की बॉय, हर्षल गिब्स उसकी चपेट में आए थे और उन पर कार्रवाई भी हुई थी। 2000 की चैंपियन ट्रॉफी में, जो कि नैरोबी केनिया में खेली गई थी, अपनी कप्तानी में वो टीम को सेमीफाइनल तक ले गए, जहां पर भारत के हाथों साउथ अफ्रीका की हार भी। 2001 में वो वेस्ट इंडीज़ की टीम का दौरा करने गए वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ उन्होंने 2-1 से वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराया, जिसकी वो टीम के कप्तान थे। तीसरे टेस्ट में वो मैन ऑफ द मैच भी थे अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए। और 2001 में भारत की टीम जब साउथ अफ्रीका खेलने आई थी तो वहाँ भी साउथ अफ्रीका ने भारत को 1-0 से सीरीज हराई थी, जिसमें पहले टेस्ट जो कि ब्लॉमफॉन्टेन में हुआ था, वहाँ पर वो सब अपने करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी। एक टेस्ट मैच में उन्होंने 10 विकेट लेने का कारनामा किया।
जो कि उनके लाइफ का इकलौता ऐसा कारनामा था कि उन्होंने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए। वो टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका 9 विकेट से जीतने में कामयाब रहा था। दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था और तीसरा टेस्ट में अनऑफिशियल घोषित कर दिया गया था, बट उस टेस्ट मैच में भी उन्होंने शतक बनाया था, 106 रन नाबाद बनाए थे। 2002 की जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उसमें भी फिर से साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, बट फिर से सेमीफाइनल में उनकी टीम हार गई थी भारत के हाथों। वहाँ भी शॉन पॉलक कैप्टन थे और सीरीज में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी उन्होंने। वनडे क्रिकेट की सक्सेस को देखते हुए उन्हें 2003 के वर्ल्ड कप के लिए जो साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाला था वहाँ की उस टीम की कप्तानी उन्हें दी गई। बट 2003 में अनफॉर्चुनेटली तरीके से होस्ट होते हुए भी साउथ अफ्रीका अपने अच्छे फॉर्म को कंटिन्यू नहीं रख पाया और लीग राउंड से ही बाहर हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ी कप्तान शॉन पॉलक को। इसके मद्देनज़र रखते हुए 2003 के अप्रैल में उन्हें कप्तानी से भी हटा दिया गया और ग्रेम स्मिथ को कप्तानी दे दी गई। तो लगभग 3 साल उन्होंने कप्तानी करी, जिसमें अगर सफलताओं की बात की जाए तो 2000 और 2002 की चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक पहुंचे वो। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज जीती, पाकिस्तान के खिलाफ अवे सीरीज जीती, पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज भी जीती थी 2002 में, और उसके अलावा वेस्टइंडीज में भी उन्होंने अवे सीरीज जीती थी। जो अनसक्सेस, जो असफलता उनके कप्तानी में आई वो जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाके वाइट वॉश, ऑस्ट्रेलिया ने उनका वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका, और इवन होम ग्राउंड में भी जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का दौरा करने आई थी वहाँ भी साउथ अफ्रीका को 2-1 से सीरीज हार का सामना करना पड़ा। 92 वनडे में उन्होंने कप्तानी करी थी जिसमें 59 मैच में उन्हें जीत मिली थी और 26 टेस्ट मैचों की कप्तानी में 14 टेस्ट मैच में उन्होंने उन्हें जीत मिली थी। अगर उनका टेस्ट मैच में सक्सेस रेट देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के जो बेहतरीन कप्तान माने जाते हैं हेंसी क्रोनिये और ग्रिम स्मिथ, उनसे बेटर उनका सक्सेस रेट है। वो इतने एक्यूरेट बॉलर थे कि आज भी उनके नाम सबसे बेस्ट इकोनॉमी का रिकॉर्ड है जिन बॉलर्स ने कम से कम वनडे में 300 विकेट लिए हैं। जैसे कि इकोनॉमी रेट का मतलब ये होता है कि एक बॉलर ने पर ओवर कितने रन कंज्यूम किए हैं। जैसे कि अगर किसी बॉलर ने 10 ओवर किए हैं और 40 रन दिए हैं तो उसका इकोनॉमी रेट 40/10 मतलब 4 का हो जाए। 3.65 का उनका इकोनॉमी रेट था, जो कि उस टाइम के ग्रेट बॉलर्स जैसे वसीम अकरम थे, ग्लेन मैकग्रा थे ऑस्ट्रेलिया के, मुथैया मुरलीधरन से उनसे भी बेटर था। तो ये कह सकते हैं कि अपने एरा के वो सबसे एक्यूरेट बॉलर थे। 2006 की चैंपियन ट्रॉफी में वो अपनी टीम को सेमीफाइनल तक ले गए थे, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जहाँ पर वेस्टइंडीज के हाथों तो हार मिली थी साउथ अफ्रीका को। फिर उसके बाद 2006 की जो होम सीरीज थे अगेंस्ट इंडिया, वनडे सीरीज और ओडीआई सीरीज और टेस्ट सीरीज दोनों में वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। 2007 की वनडे सीरीज जो पाकिस्तान खेलने आई थी वहाँ भी वो मैन ऑफ द सीरीज रहे, और 2007 में उन्होंने अपने करियर की सबसे हाईएस्ट रेटिंग अचीव की 917। अगर बात करें T20 करियर की तो उन्होंने उनका T20 करियर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा, सिर्फ 12 इंटरनेशनल T20 उन्होंने खेले। जो जो उनका पहला T20 मैच था वो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, और 2008 आठ में 3 फरवरी को उन्होंने अपना लास्ट वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था अगेंस्ट वेस्टइंडीज। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच भी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय में वो साउथ अफ्रीका के अभी तक के बेस्ट बॉलर हैं जो साउथ अफ्रीका ने प्रोड्यूस किया है। इवन उनको एलन डोनाल्ड और डेल स्टेन के ऊपर भी रखा जाता है, क्योंकि अगर फॉर्मेट्स की बात की जाए तो वनडे में और टेस्ट मैच में दोनों में वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थे, दोनों में बराबर योग्यता के साथ गेंदबाजी करते थे। जैसे कि टेस्ट मैच में भी उन्होंने 400 से ऊपर विकेट लिए हैं और तकरीबन 400 विकेट उन्होंने ODI में भी लिए हैं वनडे इंटरनेशनल। 2008 में वो IPL की टीम में भी ऑक्शन किए गए, जहां मुंबई इंडियंस की टीम ने उन्हें खरीदा। अगर मैं उनके सबसे शानदार स्पेल्स के बारे में बात करूं, 2000 में उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ 8 ओवर में मात्र 7 रन दिए, 3 विकेट पर 3 विकेट लिए और 7 रन दिए, तो उनका इकोनॉमी रेट 1 से भी कम था। ऐसा ही फिर से उन्होंने 2003 में किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहाँ उन्होंने 10 ओवर में 4 मेडन रखते हुए 9 रन देकर 1 विकेट लिया। अगेन 2007 के वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स की टीम के खिलाफ 6 ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट लिया। इवन इन IPL में भी, जो पहला IPL सीजन था 2008 में, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 4 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट लिए और
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 12 रन देकर 3 विकेट लिए 4 ओवर की स्पेल में। तो ये इतनी ये स्पेल्स दिखाते हैं कि वो रन देने में कितने कंजूस गेंदबाज थे। अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें, कुछ आंकड़ों की बात करें, तो अपनी टीम की तरफ से, साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है। टिल डेट 800+ विकेट लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने। 393 विकेट 303 इंटरनेशनल ODI मैच खेल के उन्होंने वनडे में लिए हैं, और टेस्ट में 421 विकेट लिए 108 टेस्ट मैच खेलकर, जिसमें वनडे में उनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस था 35 रन देकर 6 विकेट, जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लिया था। हालांकि वो मैच अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका की टीम हार गई थी, और टेस्ट मैचों में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था 87/7 विकेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ओवल में था। तो ऐसा नहीं था कि शॉन पोलक किसी दो या तीन टीम के खिलाफ ही अच्छा प्रदर्शन करते थे, उनका प्रदर्शन सभी टीमों के खिलाफ उतना ही शानदार रहता था। अपने टेस्ट करियर में सिर्फ बांग्लादेश को छोड़ के उन्होंने सारी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ कम से कम एक बार 5 विकेट तो जरूर ही लिए हैं, और जो 5 बार उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 5-5 विकेट हॉल लिए हैं, उसमें से वो भी 5ों अलग अलग टीम के खिलाफ हैं। होम ग्राउंड के ऊपर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 193 विकेट उन्होंने लिए हैं होम सॉइल पर। उनका जो इकोनॉमी रेट है 3.65 का है, जो 300 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वालों में सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। अपने पहले वनडे में उन्होंने 66 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे नंबर 8 पर खेलते हुए, और 34 रन देकर 4 विकेट लिए थे। अपने पहले ही मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था, जो उन्होंने 66 रन बनाए थे। आज भी किसी भी डेब्यूटेंट के लिए, किसी डेब्यू करने वाले खिलाड़ी के लिए नंबर 8 पर सबसे ज़्यादा रन बनाने का स्कोर का रिकॉर्ड है उनके नाम। ICC रेटिंग पॉइंट्स की अगर बात कर लें, तो ऑल टाइम ICC रेटिंग्स की अगर बनाई जाए तो वनडे में वो आते हैं नंबर 3 पर। उनसे बेहतर सिर्फ जोएल गार्नर है और रिचर्ड हेडली हैं, और टेस्ट मैच में उन्होंने वो 909 रेटिंग पॉइंट तक किया था, जो जॉइंट 10th हाईएस्ट हैं। उनके साथ 909 तक डेल स्टेन भी पहुंचे हैं, वकार यूनिस और रिचर्ड हेडली भी पहुंचे हैं। शॉन पोलक के नाम नंबर 9 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है, जो कि 2 है। अपना पहला वनडे शतक उन्होंने अफ्रीका 11 की तरफ से खेलते हुए बनाया था, एशिया 11 के अगेंस्ट में 130 रन बनाए थे नैरोबी में। अगर उस टाइम के टॉप बल्लेबाजों के बारे में बात कर लें कि उनके खिलाफ उनका परफॉर्मेंस कैसा था, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस टाइम पे उन्होंने जिन बल्लेबाजों को सबसे ज़्यादा आउट किया था वो सारे ही ओपनर्स थे, और ख़ास करके जो लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन थे उनके खिलाफ उनका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बेस्ट था। उन्होंने सबसे ज़्यादा जिन खिलाड़ियों को आउट किया है उनमें है भारत के सचिन तेंदुलकर, जिनको उन्होंने 40 मैच में 13 बार आउट किया है। फिर आते हैं सौरव गांगुली, जो कि लेफ्ट हैंडेड है, जिनको उन्होंने 12 बार आउट किया है 36 इंटरनेशनल मैचेस में। फिर आते हैं सनाथ जयसूर्या, जिनको उन्होंने आउट किया है 12 बार 48 मैचेस में। और फिर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट, जिनको उन्होंने आउट किया है 12 बार 52 मैचेस में। कभी भी वो किसी ICC विनिंग टीम का हिस्सा नहीं रहे, बट 2002 में उन्होंने VB सीरीज जीती थी, ट्रायंगुलर VB सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती थी, जो जिसमें न्यूजीलैंड ने भी हिस्सा लिया था। वो अकेले ऐसे प्लेयर हैं जो कि वनडे और टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाजी बन चुके हैं और नंबर 1 ऑलराउंडर भी बन चुके हैं। सो यहाँ पर मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। फिर से मिलता हूँ आपके साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।